बॉलीवुड में सूर्यवंशम फिल्म का अलग ही फैन बेस है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के डबल रोल और उनके किरदार अदायगी की हर तरफ तारीफ हुई थी, तो दूसरी तरफ फिल्म की एक्ट्रेस सौंदर्या ने भी अपने शानदार काम से दर्शकों की वाहवाही लूटी थी और इस फिल्म को भी आज तक दर्शक याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जहाँ हैरानी होगी कि सौंदर्या का एक सपना अधूरा ही रह गया जिसे वो दिलो जान से चाहती थी, पर अफसोस उनका वो सपना सपना ही रह गया। पर आखिर क्या था सौंदर्या का वो सपना और क्यों वो पूरा नहीं हो पाया, चलिए आपको बताते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की पत्नी का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच पहचान बनाने वाली सौंदर्या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम थी और किस्मत इन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री में ले आई। सौंदर्या डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मिले ऑफर को स्वीकार कर इन्होंने एक्ट्रेस बनने की ठान ली। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के दौरान ही इन्हें अपने पिता के एक दोस्त की फिल्म में काम करने का मौका मिला और इन्होंने अपनी मुस्कान और दाव से दर्शकों का दिल जीत लिया। सौंदर्या ने कन्नड़ फिल्म गंधर्व से डेब्यू किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद सौंदर्या इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेसेस में रातों रात शुमार हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने 10 साल के करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन इस एक्ट्रेस के साथ एक ऐसी दर्दनाक ट्रेजेडी हुई कि वो 31 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कर गई। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद सौंदर्या ने राजनीति में कदम रखा था। सौंदर्या ने बीजेपी में शामिल होकर एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। पार्टी की एक रैली के लिए ये प्राइवेट प्लेन से करीमनगर जा रही थी, इसी दौरान हुए क्रैश में इनका निधन हो गया। इस प्लेन क्रैश में सौंदर्या के साथ इनके भाई और दो और लोगों की मौत हुई थी। ये खबर तब और दर्दनाक होगी जब पता चला कि हादसे के वक्त सौंदर्या 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। हैरानी होगी कि सौंदर्या का सबसे बड़ा सपना माँ बनना ही था। ये न जाने कब से माँ बनने का सपना सजा रही थी। इन्होंने अपने बच्चों को लेकर कई ख्वाब देखे थे जो ख्वाब अधूरे रहे। दरअसल हादसे से करीब 1 साल पहले इन्होंने अपने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी की। कहा जाता है कि सौंदर्या की मौत की भविष्यवाणी उनके बचपन में ही कर दी गई थी। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी के बाद सौंदर्या के माता पिता ने इसे टालने के लिए बहुत सी पूजा पाठ के अलावा कई कर्मकांड भी किए थे ताकि सौंदर्या के ऊपर से यह संकट टल जाए। लेकिन करियर के सबसे ऊंचे पड़ाव पर यह एक्ट्रेस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। वेल दोस्तों, आपको सौंदर्या के सपने के बारे में जानकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।